वेलकम टू रोशी हयात किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे पनीर दो प्याजा, जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी होता है। तो मैं जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आए तो मेरी इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो मेरी इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ वाला रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसके साथ ही बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कीजिए। ऐसा करने से मेरे वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए पनीर दो प्याजा बनाना शुरू करते हैं। देखिए, पनीर दो प्याजा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गैस पर पैन रख दिया है, इसमें ऑयल डाल दिया है, ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें हम पनीर को फ्राई करेंगे। यहाँ पर पनीर को हम डाल देंगे। देखिए, पनीर के पीसेस को इसमें हमने डाल दिया है। अब इसे हमें हल्का गोल्डन ब्राउन करना है। देखिए, एक तरफ से पनीर फ्राई हो गया था हल्का सा, इसको आपने पलट दिया है, और दूसरी तरफ से भी इसको ऐसे ही फ्राई कर लेंगे हम। देखिए, पनीर दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसको हम निकाल लेंगे। देखिए, पनीर के पीसेस को हमने निकाल लिया है। अब इसमें हम प्याज फ्राई करेंगे। तो प्याज के मैंने ऐसे छिलबु निकाल लिए हैं पीस कर करके, इसके ऐसे फ्लेक्स बना लिए मैंने, ये देखिए। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हमने लो टू मीडियम के बीच में कर रखी है, और इसे थोड़ा सा हम सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, प्याज भी हल्की फ्राई हो गई है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। इससे ज़्यादा सॉफ्ट इसे हम नहीं करेंगे, इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, प्याज भी इसमें से हमने निकाल ली है। अब इसमें ऑयल बहुत थोड़ा सा कम रह गया है, अब इसमें थोड़ा सा हम ऑयल और ऐड करेंगे। देखिए, ऑयल इसमें हमने डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़े खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमने तेज पत्ता लिया है, हरी इलायची ली है, इसका हमने मुंह खोल दिया है ऐसे, लौंग ली है, जीरा है, दालचीनी है, इसको हम डाल देंगे। कुछ सेकंड के लिए इसे ऑयल में फ्राई कर लेंगे, और अब इसमें हम ये बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, और फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई पे कर रखा है, और उसको ऐसे लगातार चलाते हुए हमने फ्राई करेंगे। इस वाले पनीर में दो तरह की प्याज यूज होती है, एक तो ये बिल्कुल फाइन चॉप की हुई, बिल्कुल बारीक कटी हुई, और एक वो जो हमने पहले फ्राई की थी फ्लेक्स में कटी हुई। इसीलिए इस पनीर का नाम पनीर दो प्याजा पड़ा है, क्योंकि इसमें दो तरह की प्याज डाली जाती है। अब प्याज हमारी हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इस स्टेज पर हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे, और प्याज के साथ में इसे भी फ्राई कर लेंगे एक मिनट के लिए। देखिए, प्याज के साथ में लहसुन अदरक भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। ये जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर लेंगे हम। यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज किया है, और गरम मसाला पाउडर, इन सबको हम इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे, और इन मसालों को भूनने के लिए और जलने से बचाने के लिए थोड़े से पानी का यूज करेंगे हम, जिससे मसाला हमारा अच्छे से भून जाए। और ये देखिए, मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे, इसको मसाले में मिक्स करेंगे। देखिए, टमाटर मसाले में अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इसमें हल्का हल्का बॉयल भी आने लगा है। और अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में कर देंगे, और इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, जिससे सारा मसाला और टमाटर सब कुछ बहुत अच्छे से भुन जाए और ऑयल इसमें सेपरेट हो जाए। और इसके साथ ही इसी स्टेज पर इसमें हम नमक भी डाल देंगे, नमक को भी मिक्स कर देंगे इसी में। और देखिए, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी थोड़ा सेपरेट हो गया है इसमें, आप देख लीजिए इस पर, और कलर भी देखिए कितना बढ़िया आया है, क्योंकि हमने यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली का यूज़ किया था, यानी कश्मीरी लाल मिर्च का, उसकी वजह से कलर इसमें बहुत अच्छा आया है। लेकिन अगर आपके पास कश्मीरी रेड मिर्च का पाउडर नहीं है तो परेशानी की कोई बात नहीं, आप इसमें सिंपल जो नॉर्मल हम लोग घर में लाल मिर्च यूज़ करते हैं, आप वो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद कलर देने के लिए आप इसमें ऑरेंज फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी कलर आपका बहुत अच्छा आ जाएगा। और ये देखिए, मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है, और अब इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें सब्जी मसाला। इसके डालने से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है। इसको भी हम मिक्स कर देंगे इस मसाले में।
और अगर आपके पास सब्जी मसाला है तो आप यूज करिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन इसके डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए सब्जी मसाला भी इस मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे ये फ्राई की हुई प्याज, इसको मिक्स कर देंगे प्याज को हम। और अब इसमें बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। देखिए इसके डालने से खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया हो जाता है। अब इसको भी हम मिक्स कर देंगे इसमें, और अब इसको हम कवर करके रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन एक मिनट के लिए। और देखिए तकरीबन एक मिनट हो चुका है, सब चीज़ बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है, इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। और अब इसकी ग्रेवी को एडजस्ट करने के लिए इसमें हम थोड़े से पानी का यूज़ करेंगे, बिल्कुल थोड़े से पानी का। इसको एक बार चला देंगे हम, और अब इसको फ्लेवर को एडजस्ट करने के लिए हम इसमें थोड़ा से चीनी का यूज़ करेंगे। इसमें चीनी का जो है बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप इसमें थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट पसंद करते हैं तभी आप इसे डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बिना चीनी के ही बहुत अच्छा लगता है ये, लेकिन चीनी डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। देखिए चीनी भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम फ्राई किए हुए पनीर डालेंगे, देखिए हल्के हाथों से हम पनीर को भी इसमें मिक्स कर देंगे। और देखिए पनीर इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर आपको इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक लग रही है तो इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए आप इसमें से इसमें जो है थोड़े से दूध का यूज कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पानी का यूज ना करें। अब इसमें हम एक क्रीम डाल देंगे, आपके पास क्रीम नहीं हो तो आप मलाई का यूज भी कर सकते हैं। और फ्लेम हमने बिल्कुल लो पे कर रखी है, और हल्के हाथों से इसे भी हम एक बार मिला लेंगे, और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे करके हम कवर करके रख देंगे तकरीबन एक मिनट के लिए, जैसे सारी चीजें इसमें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये देखिए तकरीबन एक मिनट हो चुका है, सारी चीजें इसमें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। एक बार इसमें उबाल फिर आ रहा है, आप ये देखिए इसमें हल्के से बबल से आ रहे हैं, इसका मतलब ये पनीर तो प्याजा बनके हमारा तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसकी प्लेटिंग करेंगे। और ये देखिए पनीर तो प्याजा बनके बिल्कुल तैयार है, और आपने देखा इसके बनने में वक्त भी ज़्यादा नहीं लगा है, ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही यम्मी होता है। आप इसको पूरी के साथ, पराठे के साथ, बटर नान के साथ, या तंदूरी रोटी के साथ, या सिंपल घर में जो चपाती बनती है उसके साथ भी आप इसको सर्व कीजिए। हर चीज़ के साथ में बहुत ही टेस्टी लगता है, और किसी भी पार्टी की तो ही जान होता है पनीर दो प्याज़ा। तो अगली बार जब भी आपके घर में कोई पार्टी हो, या कोई भी गेस्ट आए, या कोई भी फेस्टिवल का ओकेजन हो, तो आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।